व्हाट्सएप करना है कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी, ठीक है। अरे गमले ठीक है, बाद में उठा दे उठा दी। ये एक वीडियो है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मेरी यही स्टोरी है। मेरे डैड ने मुझे बोला कि यू नो हमारी लाइफ में ना बहुत सारे सीए थे, मतलब हम बनिए लोग होते हैं ना, तो उसमें क्या होता ना एक ना वो अकाउंट फाइनेंस का ना एक होता। तो मेरे ताऊजी सीए, मेरे दादा सीए थे, उनके चाचा लोग सीए थे। तो मेरे डैड ने बोला कि मेरा बेटा सीए बनेगा। सो आई हैड नेवर डन सेल्स इन माय लाइफ। आई स्टार्टेड माय डैड हैड अ बिजनेस, उनका एक बिजनेस था। जब वो एक महीना हुआ था हमने वो बिजनेस स्टार्ट किया, और उसमें मैंने सेल्स की सेल्स करते थे। तो मैं एक ना कॉल करी, मैं उस कॉल के बारे में बताता हूँ। मेरा एक बंदा था, उसने ना बोला कि मेरे को ना मतलब हमें उसे माल बेचना था कुछ, ठीक है। तो उसको मैंने फ़ोन किया, उसको मैंने बोला कि भाई ये मेरा माल है, ये खरीदेगा। उसने बोला नहीं अभी नहीं, मुझे शाम को फोन। अरे वो वाला माल नहीं। तो उसने बोला शाम को फोन करना। मैंने शाम को फोन किया, कहता कल सुबह फोन करना। तो कल सुबह फोन किया, तो मेरे अंदर ना वो दिल्ली का ना ईगो क्या होता ना गुस्सा आने लगा था, दिल्ली से वो वाला, ठीक है। तो मैंने सोचा चल शाम को फोन करियो। मैंने उसे शाम को, उसने बोला शाम को फोन। मैंने शाम को किया, फिर उसके बाद मुझे इतनी इरिटेशन हुई, मैंने उसके फोन पटा तेरे पास। गुस्सा आया बहुत जोर की, ठीक है ना। फिर मेरे को रियलाइज किया, मेरे डैड ने बोला वेलकम टू सेल्स। तो सेल्स का एक लेसन है व्हिच आई वांटेड टू गिव टू ऑल ऑफ यू। Have no ego. Have zero ego when you're doing sales. आपको मैं आपकी टीम का बताता हूँ, LPO टीम का, ठीक है। पिछले साल से ये लोग ना मतलब बहुत अच्छा, बहुत सही था। एक आपका कोई यू नो जब पिछले साल शार्क टैंक आया ना, उसके बाद LPO की टीम से मेरे को कॉन्टैक्ट किया, ठीक है। मेरे को उस बंदे ने, मेरे को याद नहीं है उसका नाम, 15 या 20 बार लिखा कि प्लीज़ आओ, आना है, रिक्वेस्ट। और सेल्स वाले जो होते हैं ना, उनको पीछे पड़ना जरूरी होता है। तो अगर आप लोग कोई भी सेल्स करना चाहते हो ना, अपनी ईगो रखो अपनी जेब में और पीछे पड़ो और अपना यू नो गेट योर वर्क डन। दैट इज वन ऑफ द लर्निंग्स व्हिच आई वांटेड टू टेल यू। फिर मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। जिंदगी में क्या होता है? वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन ब्ला 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 आई डन द एमबीए ब्ला 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 मैंने एमबीए किया है। क्या होता है ना इंडिया में ना, आज भी ना एमबीए की बहुत वैल्यू होती है, राइट। इंजीनियरिंग कर लो, कॉलेज कर लो, उसके बाद लोग ना एमबीए की डिग्री मानते हैं। तो हम लोग एक बिजनेस, हम कंपनीज के लिए काम कर रहे थे। फिर बीच में ना हमारी कंपनी ने थोड़ा सा क्या हुआ, हम बहुत बेचते थे एक कंपनी के लिए, बहुत माल बेचते थे। फिर उस कंपनी ने अपना इंडिया में ऑफिस खोल दिया, जो मेरे डैड के बिजनेस में। तो मैंने सोचा कि चलो मतलब क्या करूँ लाइफ में, ऐसा मोड आया था कि समझ नहीं आ रहा था अब लाइफ में करना क्या है, मतलब फट गई थी, मतलब खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद आई वॉज नॉट सो ओल्ड, आई वॉज यंग, एट 29 आई वेंट फॉर माई एमबीए। माई वाइफ पुश्ड मी कि यार अभी यू नो यू कैन स्टिल ट्राई फॉर एन एमबीए। आई वेंट फॉर एन एमबीए व्हेन आई वॉज 30 इयर्स ओल्ड, एंड आई वेंट देयर बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स, एवरीबडी सेड यार एमबीए होना चाहिए तुमने, यू नो इंजीनियर अकाउंटेंट तो बहुत निकलते हैं मार्केट में, राइट। तो उन्होंने बोला कि एमबीए चाहिए। तो इसीलिए इस चक्कर में मैंने को एमबीए करनी पड़ी, क्योंकि पीपल वर नॉट रेडी। फाइनेंस जॉब यार सीए है तो थप्पे लग जाते हैं, लाइक सीए है तो सीए की नौकरी करेगा, करेक्ट। तो वो चेंज नहीं करना चाहते, जॉब करना चाहते हैं वो नहीं मिलता हमारे को बहुत बार लाइफ में। तो आई हैड टू डू एन एमबीए, आई वेंट फॉर एन एमबीए। एंड लाइक यू गाइस हियर आल्सो मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ क्लब्स होते हैं ना, वो सोशल क्लब्स और वो फाइनेंस क्लब, इंजीनियरिंग क्लब। तो मुझे किसी भी क्लब में एंट्री नहीं मिली। फाइनली मेरे को वहां पे होता था पार्टी क्लब, वहां पे एंट्री मिली। क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग क्लब में गया, मतलब ऑपरेशंस क्लब में गया, वहाँ इंजीनियर्स बहुत होते हैं,
फाइनेंस क्लब में क्रेजी सीएस और एमबीए फाइनेंस गोल्डमैन सैक्स ऐसे लोग होते थे. सो यू नो इन कॉलेज लाइफ आई ऑलवेज एडवाइज स्टूडेंट्स दैट यू नो देयर विल बी समथिंग यू गाइस विल लाइक राइट एंड इफ यू परस्यू दैट यू विल डू वेल. सो आई डिड नॉट गेट एंट्री इन टू एनी अदर क्लब. I went into social club. That is the only club I got into. Then I got a job. I went to you know ISB में क्या होता है ना, it's a consulting school. तो वहाँ पे सारी jobs जो आती थी ना, सारी consulting की होती थी कि और मेरे को भी यही हुआ कि यार सबको नौकरियाँ मिल रही हैं, मुझे नहीं मिल रही. तो eventually I also got into consulting. That was the most boring period of my life. I got so bored. 6 months. I'll show you a small video of how I was when I was doing consulting. Try कहीं तो लिस्ट में चढ़ जाए, फिर आऊँगा आपके राम में, वही करूँगा जो रोज किया है, वो फिर से करूँगा, फिर से करूँगा, फिर से करूँगा. तो ये मेरी हालत थी. मैं रोज घर आता था. I was not placed from campus. I say I was misplaced from campus. मैं रोज घर आता था और रोज रोता था कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मैं ये नहीं कर सकता. 6 महीने में रोता रहता था कि यार ये मैं करके आ रहा हूँ. सुबह जाता था, हमारी वो आती थी, हमारे ना गुड़गांव के लिए ना वो आती थी, क्या कहते हैं, थार स्कॉर्पियो वो आती थी, वो पीछे बैठ के 6 लोग बैठ के ऐसे सुबह सुबह 10 बजे वो आ जाता था. इतनी इरिटेटिंग होती थी, इतना इरिटेट होता था. बट मैंने वो 6 महीने किया जस्ट बिकॉज यू नो वो कि ट्राई करते हैं कुछ नया, ट्राई करते हैं. रविराम रस्तोगी, सीईओ सीटीओ सीएमओ, फाउंडर सुपर entrepreneur.com. ये मेरी 8वीं कंपनी है. और पहली सर बंद हो गई, लेकिन ये वाली मुझे फॉर्च्यून 500 तक लेके जाएगी. देखिए क्या होता है, हेलो क्या होता है, एंटरप्रेन्योर की जो आत्मा होती है बड़ी बेचैन होती है. जब तक मास्टरपीस ना बना लेना, इधर उधर भटकती रहती है. मैंने बहुत सारी कंपनी स्टार्ट करी, स्टार्टअप स्प्री जिसे मैं बोलता हूँ. 5 कंपनियां ज्वाइन कर स्टार्ट. माय एडवाइस टू ऑल स्टूडेंट्स एंड एवरीबॉडी इज ट्राई यू नो स्टार्टअप एज सून एज यू कैन. हैव यू नो ऐसी कंपनियां चलती है, एडमिन टीम, फाइनेंस टीम, लॉजिस्टिक्स टीम, सपोर्ट टीम, बहुत सारी होती है. बहुत जब तुम स्टार्ट करते हो ना, you are alone, you don't have a team. You are the CEO, CMO, CRO, CTRO, CHRO, but you are also the executive, you are also the manager, you are everybody, because you don't have a team, right? You're just new. So 6 years back, we started Boat. Everybody doubted us. People thought that we cannot do anything. People doubted in India. Logon ka kaam hai kehna, right? Log to kahenge. तो लोगों का काम था कहना. लोगों ने हमें भी रिजेक्ट करा था एज यूजुअल कि बॉस तुम क्या फाड़ लोगे, इतने सारे लोग हैं इंडिया में. बट टुडे वी आर प्राउड टू से दैट वी आर द सेकंड लार्जेस्ट वेयरेबल कंपनी इन द वर्ल्ड. एंड वी इंस्पायर सो मेनी ब्रांड्स, नॉट ओनली इन आवर इंडस्ट्री, इन सो मेनी इंडस्ट्रीज वेयर पीपल वांट टू स्टार्ट समथिंग, पीपल वांट टू ओन स्टार्टअप देयर ब्रांड. और आपको एक और स्टोरी बताता हूँ मैं, ठीक है. जब हमने इंडिया में स्टार्ट किया था तो लोग कहते थे कि तुम यार साला, अगेन लोग बोलना शुरू हुए. पहले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कहाँ बन रहा है, तो लोग बोलने लगे यार आप इंडिया में तो बनाते नहीं हो, बाहर से लाते हो, आप कौन से इंडियन ब्रांड हो. लोगों का काम है, लोग कहेंगे, राइट. सो हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी लास्ट ईयर एंड वी आर ऑल्सो प्राउड टू से दैट नाउ वी मेड 1 करोड़ यूनिट्स इन इंडिया. सो Do not stop. India is now, you know, I was telling ma'am and sir also that India mein toh abhi start hua hai boss. Entrepreneurship, India has just started on all aspects. If you look at how the government is also pushing entrepreneurship with Startup India, how the government is pushing Make in India, there is so much happening in India that it's the right time for all of us. The future is ours. So, We went to Harvard. We were the only Indian case study in Harvard, which told about India. में सर Harvard case studies बहुत कहीं हैं, ठीक है. पता वो जाती थी और वो होती थी कि इंडिया में देखो villages कितने हैं, कितनी population है, सनसिल्क के वो छोटे शैम्पू निकाल दो 1 रुपए वाले वो बहुत चलेंगे, right?
तो हार्वर्ड ने हमारी केस स्टडी क्यों चूज करी? क्योंकि नाउ दे आर ट्राइंग टू टेल द वर्ल्ड, एंड हार्वर्ड की केस स्टडी ना सब जगह पढ़ाते हैं, मतलब इट्स लाइक मोस्ट कॉमन केस स्टडीज इन एनी मैनेजमेंट स्कूल, राइट? उसमें ये पढ़ा रहे हैं कि नाउ एज एन इंडियन ब्रांड्स फ्रॉम इंडिया disrupting the audio industry, wearable industry in India and thinking global, how brands from India can also make a mark. I'm very proud of this picture because, you know, क्या होता है ना इंडिया में, ना मेरे को एक और प्रॉब्लम, इंडिया में ना इंडियंस की वैल्यू नहीं होती. सना मैं ISB से पढ़ा लिखा हूँ, ISB को मेरी कॉपी लिखनी चाहिए थी ना मेरे बारे में, उन्होंने नहीं लिखी. बट जब हार्वर्ड ने लिखी उसके बाद मुझे ISB भी बुला रहा है कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा आओ. मैंने बोला कि चला घर की मुर्गी दाल बराबर की कहानी सुनी आपने, कोई वैल्यू नहीं करता. बट जब हार्वर्ड ने करा उसके बाद वैल्यू आ गई, राइट? और अच्छा है वैसे इन्होंने कर दिया, इनकी वैल्यू भी अच्छी है, राइट? हार्वर्ड. सो मुझे बोला गया था स्टूडेंट्स को कुछ ज्ञान देना है. मैंने बोला कि यार मेरे को ज्ञान देना अच्छा नहीं लगता, तो जिसको नहीं सुनना मत सुनना, फ्री की एडवाइस है, लेनी है लो, नहीं लेनी मत लेना. ये ना बहुत जगह लिखा होता है, दिस इज माई फर्स्ट एडवाइस विच आई गिव टू ऑल पीपल, ग्राहक भगवान है, कस्टमर इज द किंग. इट इज अ वेरी ओल्ड सेइंग, आपके पुराने शटर में लिखा होता था ये. आप किसी 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 के यू नो रिटेलर्स होंगे, उसमें सामने बोर्ड लगा होता था कि ग्राहक भगवान है. दिस इज अ वेरी बिग लाइन एंड आई स्टिल बिलीव इन इट, दैट यू नो वी आर हेयर बिकॉज आर कस्टमर्स लव अस. यू नो जब हमने बोर्ड स्टार्ट किया तब तक मैं यू नो एवरीबॉडी वाज डूइंग वेल. और एक ना बहुत बड़ा पीयर प्रेशर होता है जब आपके सारे दोस्त बहुत अच्छा करते हैं, किसी और कंपनी में सीईओ बन जाते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, तो आपके ऊपर ना अंदर से प्रेशर आता है कि आपको भी कुछ करना है, राइट? और आप एक जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको लंच भी नहीं मिलता था. हमारे को मैं सोशल से काम किया था, हॉस्कास विलेज में एक पब है सोशल, वहां से हमने काम शुरू किया था. वहां पे ना फूड ले जाना अलाउड नहीं था, वी वर नॉट अलाउड टू गेट एक्सटर्नल फूड इन द कैंपस. सो आई यूज टू टेक ड्राई फूड होता था, ड्राई वो यू नो जैसे सैंडविच ले गए या फिर परौठी ले गए अचार के साथ, और हम ये बाहर जाके खाते थे, राइट? सो दिस पिक्चर ऑलवेज कीप्स मी हम्बल, दिस पिक्चर कीप्स रिमाइंडिंग मी कि बॉस ज्यादा पैसे मत खर्चो. अगर हम यहाँ से स्टार्ट हो गए ना, वी हैव नथिंग टू लूज. बैक टू बेसिक्स, प्रोडक्ट प्लेस, ये मैंने उसको भी सिखाया था. देर आर ओनली फोर पीस, जस्ट कीप योर बेसिक्स इंटैक्ट. There is so much clutter around in the world, कितना कुछ करवाएंगे लेकिन आपकी लाइफ के बेसिक पीस आपके पास होने चाहिए हमेशा. एंड फोर्थ, डू वॉट फ्लोट्स योर बोट. ये हमारे ब्रांड की भी टैगलाइन है, डू वॉट फ्लोट्स योर बोट, ठीक है? सो मैंने मार्केटिंग जिंदगी में नहीं पढ़ी, मैंने आज तक नहीं पढ़ी, ना सी ए करा है, एम बी ए मैंने किया फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजी में, मैंने मार्केटिंग की एक बुक नहीं पढ़ी. एंड टूडे पीपल थिंक दैट आई एम अ वेरी गुड मार्केटर, राइट? I am the CMO of the company without studying marketing. My co-founder Samir is the chief product officer. He's not an engineer, and my CFO is not a chartered accountant. So, my biggest advice to all of you is: do what floats your boat. Do what you like doing. Do not care about that. You know, मैंने ये पढ़ाई करी है तो मुझे यही करना है. नहीं, जो अच्छा लगता है वो करोगे ना. So you will love. I always say every day is a Sunday and every day is a Monday. So you should enjoy every day. And the biggest lesson which I have, you know, when we started, there were 200 brands, Sennheiser, JBL, Skullcandy, Micromax, बहुत सारे ब्रांड थे. हम लोगों ने क्या सोचा? So this is my last lesson. Do not fear anyone. If anybody says you can't do it, what you gotta say is. अगर कोई बोले स्कूल में आए कॉलेज में जाए और बोले अरे मैं तो फर्स्ट आता हूँ और मैंने ये उखाड़ा है वहां उखाड़ा है, तू क्या कर लेगा? सो डू नॉट फियर एनीवन, हम भी बना लेंगे, लिव विद दैट. थैंक यू गाइस, यू गिवन अ टाटा को बनाओ शार्क, अंबानी को बनाओ, ये किसको बिठा दिया है चेयर पे? हाँ ऐसे कहते थे जब शार्क टैंक शुरू नहीं हुआ था. अरे भाई तू ये बता, अब मेरी लड़ाई होती है 10 लाख रुपए के लिए, ठीक है? वहां पे तुम किसी अंबानी को बिठा देंगे 10 लाख रुपए के लिए लड़ाई करेंगे हमसे, वो कंपनी खरीद लेंगे, करेक्ट? तो फिर दूसरा हुआ कि यू नो अगर आप किसी फैमिली बिजनेस वाले को ले आओगे तो लोग बोलेंगे इसने अपना क्या करा है, ये तो किसी और के पैसों से खेल रहे हैं, यू नो इसके बाप ने बनाया है बिजनेस. आधे लोगों ने उस पर शुरू कर दिया, नेपोटिज्म शुरू हो गया शार्क टैंक पे. फिर लोग शुरू करने लगे अबे ये लॉस मेकिंग कंपनीज है, इसको इनको क्यों आने दें? अरे भाई लॉस मेकिंग नहीं है. अगर आप किसी मतलब
मैं अपना जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मेरी तो वैसे ही प्रॉफिटेबल है, बट बहुत लोगों जिन्होंने लॉस आज बनाया है वो नेक्स्ट ईयर सॉलिड प्रॉफिट बना सकते हैं. दैट इज हाउ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स इन दिस वर्ल्ड वर्क टुडे. सो देयर इज नो रीजन, आई डोंट सी दैट देयर इज अ नेगेटिव इन मेकिंग लॉस, इट्स फाइन, बट इफ यू कैन मेक प्रॉफिट्स इट्स बेटर. बिल्कुल करेक्ट है कि मैंने बिकॉज मेरे फादर पुलिस में थे और तो मैंने इसको बोला कि हमारी लव मैरिज नहीं हो सकती. और मैं ट्रेन में जा रही थी पुणे पढ़ने से वर्सेस, तो इसको मैंने मैसेज किया कि आई कैन नॉट यू नो कंटिन्यू एंड माय फादर विल नॉट लाइक इट. तो ये बंदा, मैं अगले दिन ट्रेन में बैठी हूँ और मैं देखती हूँ कि एक ट्रेन चल रही है, मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के गए, आई वाज विद अनदर फ्रेंड, और ये आता है मुझे हाय. एंड फिर मुझे बाद में बाकी स्टोरी पता लगी कि रात को इसने अपने फादर को बोला कि यू नो आई रियली लव दिस गर्ल और शी इज लीविंग एंड शी इज गोइंग. तो इसके फादर ने बोला कि तो क्या हुआ, तू भी जा पीछे. तो ये अगले दिन 6 बजे से सारे रेलवे स्टेशन जाके ना वो चार्ट रखते थे, वो चार्ट पे नाम ढूंढ रहा था कि मैं कौन सी ट्रेन ले हूँ. और फिर मेरी ट्रेन में आके मुझे हाय बोलता है. एंड फिर 26 आवर्स की जर्नी थी टिल पुणे, एंड ही कन्विंस्ड मी टू बी विद हिम एंड टुक अ फ्लाइट एंड केम बैक बिकॉज द वर्क वॉज डन. सो दैट्स आवर स्टोरी. मोहब्बत कुछ तो है, यूं ही अफसाने नहीं होते. मोहब्बत कुछ तो है, यूं ही अफसाने नहीं होते. कब होते तो आप भी अमन जी के दीवाने नहीं होते. मैम ने ट्रेन की बात करी, कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पर डांस हो जाए एक बार मैम को और सर का, थोड़ी सी आवाज कम आई नीचे से ऊपर तक बताओ कितने लोगों को लगता है डांस हो जाए. ट्रेन वाला ही कोई गाना मैं रिक्वेस्ट करूंगा टेक्निकल टीम से प्लीज. I request, ma'am.
to felicitate Aman sir and Priya ma'am here. And sir and ma'am, kindly accept this token of love from our side. Dear audience, can we have a huge round of applause for Aman Gupta and his beautiful wife, Priya ma'am. आप लोग अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर सकते हैं इसके बाद।